हेलो एवरीवन, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप हमारे चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ चेंज द वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का चेंज द वॉइस कैसे करते हैं। चेंज द वॉइस क्या है? चेंज द वॉइस, वॉइस के टू टाइप होते हैं। एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कन्वर्जन पैसिव वॉइस में करना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चेंज द वॉइस। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखता हूँ और वो सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर, ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो उसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आई क्या है? सब्जेक्ट है। शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और राइट क्या है? राइट है वी वन। वी वन क्यों है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट, रोड, रिटर्न और राइटिंग राइट्स। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ में आया है? तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको मैं बताता हूँ। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद ए वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसे कहते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो बी का यूज किया जाता है जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। और प्लस वी थ्री का यूज करते हैं। राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोड, रिटर्न हो जाता है। प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आई शैल राइट अ लेटर का हमें पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अ लेटर लो। और यहाँ पर शैल, शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज राइट करो। बी फॉर्मूले से लो। वी थ्री क्या है? राइट है। तो राइट, रोड, रिटर्न। और बाय लगाकर सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है। आई का पैसिव वॉइस में क्या होता है? आई का मी बन जाता है। यू का यू ही रहता है। दे का देम बन जाता है। ही का हिम बन जाता है। शी का हर बन जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? आई का मी बन जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपके समझ में आया है। तो और एक मैं लेता हूँ, सेकंड लेता हूँ। राम विल, राम विल बाय अ पेन। राम क्या करेगा? पेन खरीदेगा। राम विल बाय अ पेन। तो इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करना होगा? उसके फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। पेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बाय क्या है? तो बाय वी वन है। अ पेन क्या है? अ पेन है ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अ पेन यहाँ पर लेना है। अ पेन फॉर्मूले में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेना है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है। तो विल और वी फॉर्मूले से वी थ्री बाय का वी थ्री क्या हो जाता है? व्हाट हो जाता है? अ पेन विल बी बॉट बाय राम। ये बन गया हमारा सेंटेंस। राम क्या सब्जेक्ट हमने लिया है। तो आज के सेशन में इतना ही था।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। यदि कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।